हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर सनोरिया। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे की क्लास की वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। दोस्तों, आज हम एक बहुत सरल सा लेकिन बहुत उपयोगी स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। अक्सर आपने इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस सुने होंगे। दोस्तों, आपने सुना होगा क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, हमारे शहर में कई बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इस घर में 4 कमरे हैं, हमारे घर के पास एक बड़ा शॉपिंग मॉल है, क्या यहाँ पर कोई मेडिकल स्टोर है, क्या इस किताब में कोई कहानी है, इस फिल्म में बहुत सारे गाने हैं। इस तरह के जो सेंटेंस हैं दोस्तों, बहुत छोटे छोटे सेंटेंस हैं लेकिन एक बहुत उपयोगी स्ट्रक्चर यदि आप सीख लेंगे तो बहुत आसानी से इस तरह के सेंटेंस सीख लेंगे, क्योंकि हमारे आम जीवन में आम बोलचाल का जो स्पोकन लैंग्वेज होता है दोस्तों, उसमें जब हमें सही प्रकार से इन सेंटेंस की रूत प्रैक्टिस नहीं होती है, उसके बारे में आइडिया नहीं होता है, तो हम बोलते समय अक्सर हमारे दिमाग से वो सेंटेंस चूक जाता है कि अब इस सेंटेंस को कैसे बोलें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, देयर इज अ काउ। पहले हम बहुत सरल सा सेंटेंस सीख रहे हैं, देयर इज अ काउ। तो यहाँ पर सेंटेंस का अर्थ ये दोस्तों, एक गाय है। अगर आपको कहना एक गाय है, देयर इज अ काउ। इस रूल में एक चीज ध्यान रखेंगे दोस्तों, देयर शब्द का यहाँ पर कोई हिंदी अर्थ नहीं है, बस सेंटेंस के बिगिनर के तौर पर एक इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पर जो है देयर का अपन यहाँ पर ही प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हमने कहा एक गाय है तो आपको कहना है देयर इज अ काउ, दो गाय हैं देयर आर टू काउज, यानी एक के लिए हम इज का यूज करेंगे, सिंगुलर नंबर है, एक से ज्यादा है तो फिर आर का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको कहना एक पेड़ है देयर इज अ ट्री, दो पेड़ हैं देयर आर टू ट्रीज, कई सारे पेड़ हैं देयर आर मैनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़ हैं देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रीज। इस प्रकार से दोस्तों एक अगर होगा तो एज, एक से ज्यादा के लिए आर। इसी प्रकार से एक गाय थी देयर वॉज अ काउ, दो गाय थी देयर वर टू काउज। अक्सर हम सेंटेंस बोलते हैं एक राजा था देयर वॉज अ किंग, एक जंगल था देयर वॉज अ फॉरेस्ट, एक नदी थी देयर वॉज अ रिवर, एक महान राजा था देयर वॉज अ ग्रेट किंग, देयर वॉज अ रिवर, देयर वॉज अ कंट्री, देयर वॉज अ विलेज, देयर वॉज अ स्टोरी, देयर वॉज अ नॉवेल। तो इस तरह के जो छोटे छोटे सेंटेंस हैं दोस्तों, उनको बनाने के लिए इस नियम का हमें प्रयोग करना है। एक गाय होगी देयर विल बी अ काउ, फ्यूचर टाइम में ओनली हमें विल बी का प्रयोग करना है। बहुत सारी गाय होंगी देयर विल बी मैनी काउज, दो गाय होंगी देयर विल बी टू काउज। अब इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम कैसे करेंगे दोस्तों, हम इसको समझते हैं। देयर एक बहुत उपयोगी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक सेंटेंस है, देयर इज अ डोर इन द रूम। अब उस रूम में क्या चीजें हैं अगर आपको बताना है तो उसके लिए हमें इस नियम की जरूरत पड़ेगी। इस रूम में एक दरवाजा है तो हमें कहना पड़ेगा देयर इज अ डोर इन द रूम। इस रूम में दो खिड़कियां हैं, देयर आर टू विंडोज इन दिस रूम। इस रूम में दो ट्यूबलाइट्स हैं, देयर आर टू ट्यूबलाइट्स इन दिस रूम। इस रूम में एक फैन है, देयर इज अ फैन इन दिस रूम। इस रूम में एक बड़ी सुंदर पिक्चर है, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर इन दिस रूम। इसी प्रकार से दोस्तों, अब घर में क्या है, किसी बिल्डिंग में क्या है, किसी सिटी में क्या है, किसी कंट्री में क्या है, कहीं भी अगर कुछ बताना हो तो हमें इसी नियम की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर आपको कहना हो कि क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं तो हमें कहना पड़ेगा देयर आर 11 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम, देयर आर 11 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम। अगर आपको कहना पड़े इस मकान में 10 कमरे हैं तो आपको कहना पड़ेगा देयर आर 10 रूम्स इन दिस हाउस। इस बिल्डिंग में 50 कमरे हैं, देयर आर 50 रूम्स इन दिस बिल्डिंग। कोई चीज अगर किसी चीज के ऊपर है तो उनका भी प्रयोग करिए, देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर कई किताबें हैं, देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द चेयर। इसका दोस्तों प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टाइम में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसान प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके लिए सेंटेंस बोलना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे आपको कहना है टेबल पर एक किताब है, देयर इज अ टेबल ऑन, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक किताब थी, देयर वॉज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक किताब होगी, देयर विल बी अ बुक ऑन द टेबल। इसके साथ साथ दोस्तों उसका एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव की भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। एक उदाहरण है यहाँ पर, आपको कहना है यहाँ एक मेडिकल स्टोर है, देयर इज अ मेडिकल स्टोर हेयर, यहाँ मेडिकल स्टोर नहीं है, देयर इज नॉट एनी मेडिकल स्टोर हेयर, क्या यहाँ कोई मेडिकल स्टोर है, इज देयर एनी मेडिकल स्टोर हेयर, क्या यहाँ कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, इज देयर नॉट एनी मेडिकल स्टोर हेयर।
इस तरह के हमें बहुत सारे सेंटेंस बोलने पड़ते हैं दोस्तों। अक्सर कहना पड़ता है, क्या यहाँ पर कोई मेडिकल शॉप है? इज देयर एनी मेडिकल शॉप हेयर? इज देयर एनी प्रोजेक्ट ऑफिस हेयर? इज देयर एनी मोबाइल शॉप हेयर? इज देयर एनी स्टेशनरी? इज देयर एनी स्टेशनरी? इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। एक और लास्ट वाला रूल है दोस्तों इस क्लास का, देयर इज अ मॉल नियर माई होम। आपको कहना मेरे घर के पास एक मॉल है, सो देयर इज अ मॉल नियर माई होम। इन शब्दों का प्रयोग करके बोलना पड़ेगा। घर के बगल में है तो देयर इज अ मॉल बिसाइड माई होम। मेरे घर के सामने है तो देयर इज अ मॉल इन फ्रंट ऑफ माई होम। मेरे घर के पीछे है तो देयर इज अ मॉल बिहाइंड माई होम। घर के पहले है तो देयर इज अ मॉल बिफोर माई होम। मेरे घर के बाद है तो देयर इज अ मॉल आफ्टर माई होम। सो दोस्तों, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के रूल्स हैं। इन रूल को प्रयोग करके, हर एक रूल को अप्लाई करते हुए कई सारे सेंटेंस आप बोल के, इनसे मिलते जुलते सेंटेंस बोल के देखें अपनी आवश्यकता के हिसाब से। ये एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत उपयोगी स्ट्रक्चर है। प्रैक्टिस करते रहें, सीखते रहें इंग्लिश। और दोस्तों, अगर ये वीडियो ऐसा लगा आपको कहीं कि ये क्लास जो है सरल है और आप लोगों को इंग्लिश आती भी है मान लीजिए, तो उन दोस्तों के पास में, अपने उन भाई बहनों के पास, अपने उन दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर करिए जो भी इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक लर्नर हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो किसी के काम आएगा तो इस वीडियो को बनाने की सार्थकता सिद्ध होगी। दोस्तों, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।